व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो ये जो रूम है, ये रूम हमारा नया रूम है। सो दिस इज द रूम दैट वी आर स्टेइंग इन। मैं इधर सोता हूँ, मेरा भाई इधर सोता है, ये हमारा सारा सामान बिखरा हुआ है। तो आज आपको देंगे मंदिर का टूर। टाइम बहुत कम है तो फटाफट करते हैं, क्योंकि अभी 10:30 हो रहे हैं, 11:30 तक मुझे मेरे काम पे वहाँ पे पहुँचना है फटाफट। तो लेट्स गो। भाई ये जगह देख के मुझे मेरा पुराना बिल्डिंग याद आ गया जहाँ पे मैं रहता था। अभी मेरा जो हम लोग का जो मंदिर है वो बस इधर से 5 मिनट दूर है। लास्ट हम लोग जब पिछली प्रॉपर्टी जो थी जिधर हम लोग रह रहे थे वो 30 मिनट वॉकिंग था, और रिक्शा में भी उतना ही टाइम लगता था, 10-15 मिनट होके फिर आधा घंटा वेस्ट हो जाता था हम लोग का। ये बेस्ट है। सामने की साइड पर सिर्फ मंदिर है और इधर हम लोग पीछे की साइड पर 5 मिनट में, इधर 2 दिन ही रहे हैं, बट इट हैज़ बीन गुड। तो अभी मंदिर का पूरा मस्त शूट करते हैं। मेरे को थोड़ा नर्वसनेस है क्योंकि कोई रोके नहीं, ऑल जो मैंने कंफर्मेशन पूरा अच्छे से ले लिया है कि मैं शूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अपने एकदम टॉप अथॉरिटी से कंफर्मेशन आया है। बट तो दिस इज द गेट नंबर 1, और एकदम और एंड की साइड पे गेट नंबर 2 है। तो यूजुअली भी गेट नंबर 2 ही चालू है, 1 बंद है। तो अभी मेरे एग्जैक्ट पीछे मंदिर है, मैं पूरा एंड में जाके आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ। सनग्लासेस भूल गया जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बट ठीक है चलो। तो दिस इज हाउ द व्यू लुक्स फ्रॉम टॉप। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ, तो जो भी आपने टाइमलेस में देखा, थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी भगवान का वो दरवाज़ा बंद है, तो अगर जब खुल जाएगा तब जाके मैं प्रॉपरली अंदर जाके शूट करूँगा। और ये ऊपर से दिख रहा है कुछ ऐसा। तो अभी टाइम हो रहा है 10:35, 11:15 को पूरा मंदिर खुलेगा, तो ही मैं आपको अंदर से अच्छे से दिखा पाऊंगा। अभी 10:40 है, मेरे को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। चलो कोई बात। अब मुझे पता है, आई एम वेरी वेरी सॉरी एब्रप्टली ऐसे आने के लिए, लेकिन मैं बता तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम था और क्यों मैं ऐसे आके बात कर रहा हूँ एंड नॉट इन द वीडियो। तो एक्चुअली नासिक में जब मैं मंदिर का ये जो वीडियो शूट कर रहा था, तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, और एक्चुअली वहाँ पे बराबर बोलने के लिए मेरे को कोई लोकेशन मिली नहीं थी। मैं जस्ट फटाफट शूट कर रहा था, तो मैंने क्या सोचा कि वहाँ मैंने ऐसा सोचा था कि उधर मंदिर का सब कुछ शूट करता हूँ और मुंबई जाके अच्छे से बैठ के आप लोगों से स्टोरी शेयर करेंगे कि ये मंदिर का क्या है, कैसा है एग्जैक्टली। तो अभी बात करते हैं। तो मैं आपको शायद थोड़ा थका हुआ लग रहा होगा मेरे आवाज़ से और मेरे मुँह से, जो कि मैं हूँ, क्योंकि मेरी आज ही एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम्स खत्म हुए। आज 2 एग्ज़ाम्स थी, तो कल मैं कुछ 3 बजे तक जागा था, रात को 3:30 बजे तक, और फिर से 5 बजे उठ के पढ़ा था, तो सिर्फ 1.5 आवर्स सोया हूँ। और मुझे आज क्या शूट करना है, कैसे भी मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है कि इस तरह लो एनर्जी में शूट करूँ, बट अभी करना पड़ रहा है क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट है, तो प्लीज़ बेयर विद। तो अभी ये जो मंदिर बना है, जो मैंने आपको अच्छे से पूरे वीडियो में दिखाया, और अभी भी आपकी स्क्रीन पे एक्चुअली पूरा प्ले हो रहा होगा, जो भी उसके सीन थोड़े अच्छे मैंने लिए थे सिनेमैटिक्स। तो ये जो मंदिर है, ये हमारे करंट स्पिरिचुअल सक्सेसर है, उनसे पहले जो स्पिरिचुअल सक्सेसर थे प्रमुख स्वामी जी, उन्होंने एक संकल्प किया था 12 साल पहले कि नासिक में इस तरह से 5 शिखर वाला पिंक पत्थर का मंदिर होगा। यही इच्छा को फुलफिल करते हुए आगे हमारे बहुत ज़्यादा संस्था के संतों ने और हमारे प्रेजेंट स्पिरिचुअल सक्सेसर महंत स्वामी जी ने, सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पुरुषार्थ किया, और फाइनली दिस मंदिर इज़ रेडी इन अ टाइम ऑफ 12 इयर्स। मतलब 12 साल नहीं लगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट का था कुछ कि बस पहले एक छोटा सा हरि मंदिर था, उसके बाद ये एक बड़ा मंदिर यहाँ पे बना है। और नासिक को तीर्थ स्थान भी कहते हैं, जहाँ पे राम भगवान जी का था, तो सबका था। मुझे इतना डिटेल में नहीं जाना ये व्लॉग में,
समझदार को इशारा काफ़ी है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि नासिक एक तीर्थ स्थान, एक पॉजिटिव लैंड माना जाता है, और ऐसे पॉजिटिव लैंड में इतना अच्छा और बड़ा मंदिर, मतलब अगर आप रियल लाइफ में फिटनेस करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं एग्जैक्टली बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। अगर जब तक आप जाओगे नहीं वहाँ पे, आपको वो फील नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे 12 दिन रह के आया हूँ अवे फ्रॉम माय होम, और पूरा टाइम जो मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की, इनर पीस भाई, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने अगर कुछ किया होगा एक्सपीरियंस तब जाके मैं मेरे ब्लॉग में बोल रहा हूँ, तो इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत काफ़ी टाइम हो गया मेरे को जाके आके, बट स्टिल वो जो मेमोरीज वो फ्रेश मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या क्या करता था और क्या फील होता था मुझे, वो तो मैं आपको शब्दों से ही नहीं बता सकता, मतलब वीडियो से तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। काश ऐसा कुछ होता कि टेक्नोलॉजी होती कि एक्सपीरियंस शेयर कर पाता वो रियल वाला, तो डेफिनेटली करता, बट एनीवेज तो ऐसा ऐसा एक संकल्प था जो कि हमारे फिर ये जो स्पिरिचुअल सक्सेसर्स और हमारे सब बाकी के जो संत हैं, स्वामी हैं, सब ने ये फुलफिल किया। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, मुझे लगता है कि एक गिफ्ट है, क्योंकि अभी वो जो हमारे पहले के स्पिरिचुअल सक्सेसर थे प्रमुख स्वामी जी, उनकी 100 सेंटेनियल बर्थ सेलिब्रेशंस हैं अहमदाबाद में, जिसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल में आगे जाके कभी बात करने वाला हूँ। तो एज अ गिफ्ट हम लोग ने सब ने ये सोचा कि हम उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं ये मंदिर, तो गिफ्ट दे के ये मंदिर रेडी हुआ 28 सितंबर को, और उसके बाद फिर सब चालू हो गया। तो दिस वॉज अ लिटिल स्टोरी, अ लिटिल बैकग्राउंड, और मेरे मन में जो था मुझे लगा मुझे बोलना चाहिए तो मैंने बोला, एंड दिस वॉज इट फॉर द व्लॉग। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा छोटा लंबा क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि काफ़ी व्लॉग्स की फुटेजेस भाई ऐसा हुआ है कि मैंने भूल ही गया हूँ मैं कि भाई मैंने वो दिन में क्या कैसा क्या किया था, तो फिर मैंने बोला एक फ्रेश चीज़ शूट कर दें अच्छे से और आपको बता दें। सो दिस वॉज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट।